हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज करणवीर सिंह एंड यू आर वाचिंग IMKVS। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग मतलब सिम्बायोसिस से डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करने का प्लान कर रहे हो, आप कुछ भी हो सकता है, इट विल बी MBA या फिर आप कोई डिप्लोमा चूज कर रहे हो। सो दोस्तों, आई नो इस वीडियो के लिए मैं थोड़ा लेट हूँ, बट मेरे हाथ में डिग्री आ चुकी है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बेसिकली सब मुझसे पूछते हैं कि आप ज्वाइन करूं या ना करूं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप ज्वाइन किस पर्पस की वजह से करना चाहते हैं, आपका माइंडसेट क्या है एक डिस्टेंस कोर्स ज्वाइन करने के लिए। कॉलेज कोई अच्छा नहीं होता, कॉलेज कोई बुरा नहीं, ये सब हमारे ऊपर होता है, हम किस कैपेबिलिटी से किस एबिलिटी से पढ़ते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि एट द एंड हमारी नॉलेज मैटर करती है, हमारी पर्सनैलिटी मैटर करती है, हम अपने आप को कितना उस कोर्स के दौरान डेवलप कर पाते हैं वो मैटर करता है। और इफ़ यू वांट कि जॉब करनी है या कहीं पर भी जाना है तो एट द एंड डिग्री तो जस्ट आपकी एक स्टार्टिंग है। डिग्री तो बस इसलिए होगी कि आपको शो करना पड़ेगा कि यार इंटरव्यू क्लियर करना है, इंटरव्यू देना है, बट मेन चीज अगर आपके पास नॉलेज है, आपकी पर्सनैलिटी है और स्पेशलाइजेशन, आप उस स्किल्स में अच्छे हो, आप बेसिकली रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो तो आपको जॉब मिले। तो इंडियन एजुकेशन में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि एक अच्छी नौकरी लग जाए। तो सिम्बायोसिस या कोई भी कॉलेज इसलिए ज्वाइन मत करो कि एक अच्छी जॉब लग जाए। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो इसलिए करो कि आप वो नॉलेज गेन कर सको जो अभी आपके पास नहीं है, और आफ्टर अगर आपके पास नॉलेज होगी, आपका माइंडसेट होगा, पर्सनैलिटी होगी, तो आप खुद अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो दोस्तों। तो यार मतलब इतने लोग जितने भी कहते हैं कि इट्स अबाउट यार जॉब अच्छी लग जाए या अच्छा पैकेज मिल जाए, क्यों भाग रहे हो इन सब के पीछे, नॉलेज गेन करो। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो का इस डिग्री को अनबॉक्स करना। ये मेरे पास रिसीव हुई थी मुझे 22 जुलाई 2022, और ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए यार मैंने इसे ओपन ही नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा था आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा और टाइम ही नहीं मिला। सो एंड वो एक स्पेशल फीलिंग आती है जब अपनी डिग्री अनबॉक्स करते हो। सो यहाँ सील था, मैंने सील ब्रेक किया है, वाओ बहुत एक अच्छी सी फीलिंग है मुझे। ये मुझे EMS स्पीड पोस्ट से आई है, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग SCDL, नीचे एड्रेस लिख रखा है एंड ये पैकेजिंग हो रखी है अच्छे से टेप से, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली इसको काम कर रहे हैं हार्ड कर जाए टेंटर एंटर। सो काफ़ी मतलब एक स्पेशल फीलिंग आती है ना इसे अनबॉक्स करने वाली, वो है ये पीछे थोड़ा लेग्जीन का कपड़ा, जो लेदरेट कपड़ा होता है वो है, लिखा है सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग SCDL, पीछे एड्रेस लिखा है और टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, ये सो इसमें लिख रखा है, मतलब सबसे पहले मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ID, सिम्बायोसिस सेंटर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, लोगो है यूनिवर्सिटी का हमारी, एंड दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर करणवीर सिंह मतलब आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का पोस्ट, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 ईयर्स, 2020 में मैंने ज्वाइन किया था ड्यूरिंग कोविड, जब सब लॉकडाउन चल रहा था प्रॉपर, तब मैंने ये ऑप्ट किया था, डिस्टेंस प्रोग्राम था मेरा, एंड 2022 में मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब 2 साल में निपटा दिया। सिम्बायोसिस वाले आपको ऑप्शन देते हैं कि मतलब एक्सटेंडेड 2 ईयर्स, मतलब 4 ईयर्स में आप कर सकते हो, क्योंकि लोग जॉब वॉब वाले होते हैं, और हाँ तो 2 साल में मैंने निपटा दिया। आई हैव कम्प्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
एमबीए ऑनलाइन एमबीए जो आप देख रहे होगे, आप उसके लिए भी कर सकते हो अप्लाई, अच्छा है। वो तब ऑप्शन ही नहीं था, तो तब तक ये हमारे ये प्रोग्राम थे PGDBA जिसे कहते हैं, और अच्छा मतलब कर सकते हो, मतलब नॉलेज गेन करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, पढ़ने का मूड है तब ज्वाइन करो, वरना मत करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन PGDBA थ्रू डिस्टेंस लर्निंग कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट एंड अवार्डेड ऑन हिज डे ऑफ मंडे July 11, 2022, मतलब ये जिस दिन प्रिंट हुआ होगा। ये नीचे डायरेक्टर जो है SCDL के, उनके सिग्नेचर हैं। और मेरी स्पेशलाइजेशन थी मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर मैंने दो सब्जेक्ट चूज किए थे, वो थे ये B2B मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। वो एज पर योर नीड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, बहुत ऑप्शन होते हैं। और दिस ग्रेड इज अवॉर्डेड बाय A+, अराउंड मेरी CGPA देखी जाए तो 9 something थी, 8.8 और 9 के अराउंड थी, सो बहुत अच्छा गया। और आई एम हैप्पी कि मैंने आपके साथ ये शेयर किया अपना रिव्यू। अगर आपको कोई डाउट है बॉयसेज में एडमिशन लेने के रिगार्डिंग या वो, तो मेरी और भी वीडियोस हैं कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होते हैं, सब कुछ आप वो चेक कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एंड ओवरऑल कॉलेज तो अच्छा है, बाकी इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, सो समझ के लेना एडमिशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।